बिग बॉस 13 एक्स गर्लफ्रेंड के आरोप पर बिग बॉस कंटेस्टेंट अरहान खान ने तोड़ी चुप्पी। मुंबई में चल रहे सेक्स रैकेट के विवाद में बिग बॉस कंटेस्टेंट अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड अमृता धनोआ फंसी हुई है। खबर है कि मुंबई पुलिस ने गुरुवार 9 जनवरी की रात मुंबई के 5 स्टार होटल में गुप्त सूचना के आधार पर छापेमारी कर बड़े सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया था। जानकारी के मुताबिक पकड़ी गई एक्ट्रेस बिग बॉस 13 के कंटेस्टेंट अरहान खान की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है, जो इस सेक्स रैकेट के काम में शामिल है। एक्ट्रेस अमृता धनोआ और मॉडल रिचा सिंह इवेंट कंपनी में भी काम करती है। पुलिस ने बताया कि हमने वेस्टिन होटल में छापा मारा, जहां से 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया जबकि 2 लड़कियों को रेस्क्यू किया गया। अमृता और रिचा दोनों लड़कियों को ग्राहक के साथ भेजने वाली थी। शनिवार को अमृता ने इस मामले पर अपना रिएक्शन देते हुए अपने एक्स बॉयफ्रेंड अरहान पर आरोप लगाए। अमृता का कहना है कि उन्हें फंसाया गया है, ये सब अरहान ने उन्हें फंसाने के लिए किया है। वेब पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने कहा, मुझे फंसाया गया है, इस रेड का प्लान किया गया है और मुझे पता है कि अरहान ने करवाया है। अब अरहान ने इस मामले पर चुप्पी तोड़ी है। उन्होंने कहा कि वे अमृता धनोआ को जानते भी नहीं है। टाइम्स ऑफ इंडिया से बात करते हुए अरहान ने कहा, मैं उसे जानता नहीं हूँ, मैं उसे गिरफ्तार कैसे करवा सकता हूँ। मैंने मीडिया में एक इंटरव्यू के दौरान साफ कह दिया था कि मैं इस लड़की को नहीं जानता। उन्होंने आगे कहा, हालांकि मीडिया उसके पास गया, उसका इंटरव्यू किया, उस लड़की को मौका मिल गया झूठ फैलाने का। मैं अभी तक कह रहा हूं कि मैं उसे नहीं जानता हूं और ना ही कभी उससे मिला हूं, तो मैं उसे डेट कैसे कर सकता हूं और उसके साथ लिव इन में कैसे रह सकता हूं। बता दें कि अमृता धनोआ ने अरहान खान पर उनके 5 लाख रुपए खाने का इल्जाम लगाया था। अब अरहान खान का कहना है कि वे इसके बदले उन्हें 5 करोड़ रुपए देने के लिए तैयार है, लेकिन वे ऐसा तब करेंगे जब अमृता यह साबित कर दे कि अरहान ने ही उनसे पैसे लिए थे। खबर अच्छी लगे तो लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।